हमारे इसमें एक विक्की भाई हैं जो कनाडा बैठे हैं, वो कनाडा बैठ के भी मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा योगदान करते हैं। आज का यूथ है वो नशे की तरफ जा रहा है, आज की यंग बाल के लड़ाई झगड़े में जा रहे हैं, उन सब चीज़ों से हटा के एक अच्छी सोच जो यूथ के अंदर है हम वो लेके आना चाहते हैं कि भाई हाँ। सभी दर्शकों को नमस्कार। राहुल ठाकुर भाई जी जिसकी हमने पहले भी खबर दिखाई थी, एक समाज सेवी के रूप में उभरे हैं और लगातार समाज के अंदर जो भी समस्याएं हैं, चाहे गरीबों की सहायता की बात करें या फिर गौ माता के लिए चारा डालने की बात हो और अन्य जो और भी समस्याएं हैं उनको लेकर जो भाई जी ने एक बीड़ा उठाया है कि नरवाना के अंदर या आसपास जो भी समस्याएं होगी सभी पूरी टीम मिलकर उसको जड़ से खत्म करने का काम करेंगे, प्रयास इन्होंने किया है। आइए जानते हैं आज किस प्रकार से इन्होंने शुरुआत करी है। राहुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, तो आज किस प्रकार से शुरुआत करिए अपने काम की। पहले तो एनजी न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मेरी हाथ जोड़ के नमस्कार, और दूसरा हमारा जो सेवा दल संस्था है उसकी पूरी टीम है, ये पूरी टीम महीने में एक बार इकट्ठा होती है और इकट्ठा होने के बाद एक पुण्य का काम करती है। हर महीने हम जैसे सुबह उठते हैं, आज हम सुबह उठे थे 7:30 बजे, 7:30 से 8 बजे हम इकट्ठा हो जाते हैं सभी, 8 बजे से लेकर और अब तक 2:30 बज गए हैं दोपहर के, 2:30 बजे तक हम सुबह उठते ही पहले गऊओं को चारा डालते हैं। गऊ को चारा डालने के बाद उसके बाद हमारा काम रहता है जो भी हमारे से परिवार जुड़े हुए हैं उनको राशन दे के आना, हर घर में राशन दे के आना, और राशन दे के आने के बाद जो हमारे मतलब के परिवार जुड़े हुए हैं उनमें अगर किसी को मेडिकल इश्यू है उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवाना या उनकी दवाइयाँ जिनकी ख़त्म हुई हुई हैं उनकी दवाइयों का एक अबॉर्शन होता है जो वो पूरा करना, और बाकी मेरी टीम है जो पूरी संस्था की टीम है वो पूरा साथ दे रही है मेरा इस चीज़ में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं अकेला कर रहा हूँ, मैं अकेला कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी जो पूरी टीम है मेरे भाई हैं मेरे पूरा साथ दे रहे हैं, मेरा पूरा सहयोग दे रहे हैं। मैं भगवान से यही गुजारिश करता हूँ कि जैसे मेरे भाई मेरे साथ मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं वैसे दोस्त सभी के हों। ठीक है, तो अपनी टीम का नाम के सदस्यों का नाम क्या नाम है आपका? आप तो अभी आज क्या कार्य किया आपने? आज मैं गऊ की सेवा करी, जितने भी गरीब व्यक्ति उनके भी शायद काम करने लग रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे जब लग चलता है चलते रहेगा। हम जिसे भी आने टूटे फूटे अपने भाइयों के साथ अपने गरीबों की सेवा करते रहेंगे। ठीक है, आपका क्या नाम है? आपका भाई नाम अमन नाम है, नीरज जी। आज गौ माताओं को चारा डाला गया है तो कैसे मानते हैं इससे और किस तरीके से देखते हैं? गौओं को चारा डाला और सुबह से इस सेवा में लगे हुए हैं सभी भाई। अच्छा, कितने सदस्य हो तुम ग्रुप में? हैं सभी 85 से। ठीक है, और भी साथी आज नाम है मंदिर। अच्छा, ये सेवा करके अच्छा लग रहा है भाई सभी को? तो भाई राहुल ठाकुर ने जो वीडियो उठाया है भाई एक टीम नरवाना से हो, क्योंकि बाहर आप टीम देखते होगे कि सेवाएं करती है लेकिन नरवाना के अंदर जो समस्याएं हैं या फिर गरीबों की सहायता करो गौ माता की सेवा करें, तो इस प्रकार से राहुल जी ने एक युवा चेहरा उभर के आया, तो आपको लगता है कि इस प्रकार से समाज के अंदर आना बहुत अच्छी बात है? बिल्कुल, मतलब सेवा देनी चाहिए। और भाइयों को भी ये गुजारिश करते हैं भाई ऐसे ऐसे काम करें जिनसे भी हमको भी लगे या अपने समाज को किसी अपने धर्म को भी लगे कि भी काम करना चाहिए। हमारा तो एक ही एजेंडा है जी, बिल्कुल भाई, हमारे अकेले गौ माता नहीं है,
किसी को पीड़िता देख के अगर हमारे 10-5 से कुछ किसी की हेल्प होती है हमें करनी चाहिए। हम तो यही सोच रहे हैं जी बस कि जो आज का यूथ है वो नशे की तरफ जा रहा है, आज के यंग बालक हैं लड़ाई झगड़े में जा रहे हैं, उन सब चीज़ों से हटा के एक अच्छी सोच जो यूथ के अंदर है हम वो लेके आना चाहते हैं कि भाई हाँ इससे घर परिवार वाले भी खुश हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं जो वो भी खुश होते हैं कि भाई हाँ हमारे बीच का एक लड़का उठ के और इतने अच्छे काम कर रहा है तो उससे सभी को खुशी मिलती है, बस हमारा यही है। राहुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम चाहते हैं कि नरवाना के अंदर राहुल ठाकुर जी किसी तरह से सेवा करते रहे, एक उभरता हुआ चेहरा है जो एक प्रसिद्ध चेहरा बने ताकि नरवाना के अंदर जो भी समस्याएं हैं क्योंकि कई बार सरकार की जो स्कीमें नहीं पहुंच पाती तो ऐसे में वो जो संस्थाएं हैं राहुल ठाकुर की लगाई या अन्य संस्थाएं अगर इस प्रकार से जो समस्याएं दूर करेगी तो कहीं ना कहीं समाज से आधी समस्याएं तो वैसे खत्म हो जाएगी और इसमें आप सभी का साथ चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए ताकि हर व्यक्ति तक ये जो समस्या है ये जो खबर है पहुंच सके और भाई उनकी हेल्प कर सके। भाई का नंबर और लेते हैं कोई अगर मेरा नंबर है 7280909177 और एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ मैं आपको एनजीओ के माध्यम से। हमारे इसमें एक विक्की भाई हैं जो कनाडा बैठे हैं, वो कनाडा बैठ के भी मतलब के हमें बहुत ज़्यादा योगदान करते हैं। दूसरा हमारी बबीता चौधरी जी हैं जो हल्का अध्यक्ष हैं कैथल से INLD पार्टी से, वो भी हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर रही हैं इस कार्य करने में। वो कई बार पहुँचने नहीं पाते हैं बट वो फिर भी हर महीने एक तारीख होने से पहले ही अपना जो भी योगदान होता है वो हमें डाल देते हैं। मयंक त्यागी जी हैं नेवी में हैं, वो भी काफ़ी हमारी मदद कर रहे हैं। कुछ अन्य साथी सभी ऐसे ऐसे साथी हैं जो हम हमारे से मतलब के प्रसिद्ध होके हमारे काम को देख के हमारी पूरी हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल कोई और हेल्प करना चाहता है तो हाथ जोड़ के आपसे यही विनती है कि हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, जो भी कुछ है इन गाँवों के लिए और इन गरीबों के लिए। बिल्कुल तो भाई विक्की भाई जो कनाडा बैठा उसका भी धन्यवाद करते हैं और जो अन्य साथी जो इस प्रकार से जो इस संस्था के अंदर अपना योगदान देते हैं तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप सभी से अपील रहेगी कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो ये संस्था है सेवा दल राहुल ठाकुर जी ने जो वीडियो उठाया है ये हर व्यक्ति तक इसकी जो बात है वो पहुँच सके और जो ये पहुँचाना चाहते हैं कि सहायता का की बात है वो भी पहुँच सके। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर करें। धन्यवाद।